बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू निदास नोट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर व्हिच इज़ व्हाट इज़ मिसकंडक्ट अंडर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो 15 है वो दो पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। उसमें एक पार्ट में बताता है कि पनिशमेंट या फाइन जो है वो किन हालतों में किया जा सकता है, और दूसरे में वो आपको बताता है कि मिसकंडक्ट जो है वो क्या होगा और इसकी पनिशमेंट क्या होगी, और इस अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो मिसकंडक्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट जो है उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसमें सबसे पहले जो मिसकंडक्ट है वो आपको कहते हैं, अ वर्कमैन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट शैल बी लाइबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स। वो कह रही हैं जो भी वर्कमैन मिसकंडक्ट का के लिए गिल्टी होगा उसको इनमें से कोई भी सज़ा जो है वो दी जा सकती है। फाइन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, या तो उसको फाइन किया जाएगा, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, या उसको कोई भी अगर इंक्रीमेंट मिलने वाला है या उसकी प्रमोशन होने वाली है तो उसको विदहोल्ड कर लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक ख़ास मुद्दत के लिए जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, या तो उसको जो है वो उसका जो पोस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको कम या मतलब पहले अगर उसकी बड़ी पोस्ट है तो उसको छोटी पोस्ट पर ले आया जाएगा। डिसमिसल विदाउट पेमेंट फॉर ऑफ एनी कंपनसेशन इन लियू ऑफ नोटिस, या वो कह रहे हैं कि उसको उसकी कोई भी जो अगर कंपनसेशन की पेमेंट है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा इन लियू ऑफ नोटिस, नोटिस के साथ साथ। देन आपको वो बताते हैं कि व्हाट इज़ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट जो है वो होगा क्या। पहले उन्होंने आपको बता दिया कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी, देन वो आपको बता रहे हैं कि किस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे कि वो मिसकंडक्ट है। द फॉलोइंग एक्ट्स एंड ओमिशंस शैल बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, वो कह रहे हैं ये जो फॉलोइंग एक्ट्स एंड ओमिशंस हैं इनको ट्रीट किया जाएगा एज अ मिसकंडक्ट। Willful insubordination or disobedience without whether alone or in combination with others, वो कह रहे हैं कि आप सोच समझ के disobedience करते हो या अपने किसी भी order की खुद अकेले करते हो या दूसरों के साथ मिलकर, to any lawful or reasonable order of a superior, अपने superior के किसी भी lawful या reasonable order को अगर आप disobey करते हो, चाहे आप अकेले हो या आपके साथ कोई और combination में दूसरों के साथ करते हो। थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस और प्रॉपर्टी, या तो आप जो एम्प्लॉयर के बिजनेस और प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड करते हो, थेफ्ट करते हो या डिसऑनेस्टी करते हो। थर्ड पे वो कहते हैं विलफुल डैमेज और लॉस ऑफ एम्प्लॉयर गुड्स और प्रॉपर्टी, या आप जान सोच समझ के उसकी जो एम्प्लॉयर है उसकी चीज़ों को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हो। टेकिंग और गिविंग ब्राइब्स और एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन, या आप कोई भी ब्राइब रिश्वत लेते हो या कोई भी और इलीगल आप जो है वो चीज़ ग्रेटिफिकेशन कोई सेटिस्फेक्शन लेते हो, ये भी मिसकंडक्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, या तो आप हैबिचुअल एब्सेंस करते हो और लीव नहीं देते हो, और एब्सेंस विदाउट लीव फॉर मोर देन 10 डेज, और या तो आप एक तो आपकी आदत बन गई है कि आप हैबिचुअल एब्सेंस रहते हो और लीव भी नहीं देते हो, और अगर विदाउट लीव आप 10 डेज से ज़्यादा जो है वो उस पर एब्सेंस होते हो अपने काम से। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, हैबिचुअल वर्कमैन है जो कि लेट आता है। हैबिचुअल ब्रीच ऑफ एनी लॉ एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, या आप हैबिचुअली किसी भी लॉ को जो कि उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एप्लीकेबल है उसको ब्रीच करते हो। रॉयटस और डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट द एस्टेब्लिशमेंट और एनी एक्ट सुपरवाइजर ऑफ डिसिप्लिन, या आप किसी भी तरह से डिसऑर्डरली बिहेव करते हो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। हैबिचुअली नेग्लिजेंस और निग्लेक्ट ऑफ वर्क, या आप हैबिचुअली अपना काम करने में कोई भी नेग्लिजेंस दिखाते हो। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ एनी एक्ट और ऑमिशन, या ये जो भी एक्ट्स बयान किए गए हैं इनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या तो आप स्ट्राइक कर रहे हो या दूसरों को भी जो है वो अपने साथ शामिल कर रहे हो कोई भी लॉ तोड़ने में जो कि रूल या लॉ जो कि उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो इन्फोर्सेबल है। गो स्लो, या आपका जो एक काम करने का तरीका है उसके उसको आप उसको जो है वो निग्लेक्ट करते हुए अपने काम को गो स्लो कर देते हो, तो ये चीज़ें क्या कंसिडर की जाएंगी एज अ मिसकंडक्ट। तो आई होप आपको मिसकंडक्ट क्या होता है, क्या होता है वो, उसमें आप कोई भी किसी भी तरह अपने जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एस्टेब्लिशमेंट की उनको आप ब्रीच कर रहे हो, उनको निग्लेक्ट कर रहे हो, अपने ऑर्डर जो सुपीरियर है सुपीरियर के ऑर्डर्स को आप अगर किसी भी तरह से डिसोबे कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी
मिसकंडक्ट में जो है वो फॉल करती हैं, और इसकी पनिशमेंट क्या होगी, आपका जो है वो लॉयर आपको कोई आपकी अगर इंक्रीमेंट है वो रोक दी जाएगी, आपकी प्रमोशन रोक दी जाएगी, आपको फाइन किया जाएगा, ये सब जो है उसकी पनिशमेंट्स हैं। और मिसकंडक्ट जब प्रूफ हो जाता है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।